नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आव द फॉल मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलसी के पौधे के बारे में बहुत ही आश्चर्यजनक जानकारी देने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। दोस्तों, यह जानकारी हर इंसान को जानना ही चाहिए, क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हर घर में मौजूद होता है और तुलसी की हिंदू धर्म में बहुत बड़ी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। जिसके घर में तुलसी का पौधा ना हो, वह घर हमेशा अधूरा रहता है। और यह तुलसी दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक तो श्याम तुलसी और दूसरा राम तुलसी। तो आज हम आप लोगों को इन्हीं दो तुलसी के गुणधर्म की तुलना करेंगे, कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, कौन ज़्यादा प्रभावहीन है, और किस तुलसी को घर में लगाना चाहिए, किसको घर में नहीं लगाना चाहिए। आज तुलसी की बहुत सारी जानकारियां मैं आप लोगों को देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो की जानकारी तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर भी करें ताकि लोगों को पता चले और उन्हें भी आयुर्वेद के प्रति प्रेम बढ़े। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूं पौधा, इसमें दो प्रकार की तुलसी लगी हुई है, श्याम तुलसी भी है और राम तुलसी भी है। जो आपको गहरे श्याम काले कलर का दिख रहा है वह श्याम तुलसी है, और जो लाइट ग्रीन दिख रहा है, जो हरा पत्ता दिख रहा है, वह राम तुलसी है। आप देख लीजिए, आपको पकड़ के दिखा रहा हूँ, यह तुलसी श्याम तुलसी है और इसके पत्ते आप देख सकते हो, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और यह जो पकड़ रखा हूँ, यह राम तुलसी है। पास में दोनों पौधे एक दूसरे से लगे हुए हैं। मैंने दोनों को साथ इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों का ही अपना अपना अलग महत्व होता है, अलग गुण होता है, और दोनों ही बहुत ही काम का होता है। लेकिन आज कौन ज़्यादा काम का है और ज़्यादा काम का नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप जो यह श्याम तुलसी देख रहे हो, यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, असरदार और उपयोग में लाने वाला होता है। यही सर्वगुण संपन्न होता है श्याम तुलसी। और यह जो हरे हरे पत्ता वाला राम तुलसी का पौधा देख रहे हो, यह गुणों में थोड़ा सा कम गुण रखता है, लेकिन इसके अंदर भी शीतलता पाई जाती है। अगर आप तुलसी के भरपूर फायदा लेना चाहते हैं गर्मियों के मौसम में भी, तो राम तुलसी का प्रयोग करें, क्योंकि राम तुलसी गर्मियों के लिए उपयुक्त होता है। सर्दियों में और बरसात में श्याम तुलसी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि श्याम तुलसी का तासीर गर्म होता है और राम तुलसी का तासीर ठंडा होता है। श्याम तुलसी शरीर में गर्माहट पैदा करता है और बहुत सारे कीटाणु रोगाणु वायरस को नष्ट करता है। श्याम तुलसी का प्रयोग बुखार, खांसी, श्वास, श्वेत प्रदर, इसी तरह के 25 से 30 बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो राम तुलसी का पौधा देख पा रहे हो, इस पौधे को गर्मियों के मौसम में ही प्राय उपयोग किया जाता है। इसका रस पीने से सर दर्द की समस्या दूर होती है और मन को शीतलता मिलती है। इस राम तुलसी से बनाई हुई शरबत पीने से हृदय की गति सामान्य रहती है, यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। गर्मियों में राम तुलसी की चाय पीनी चाहिए और सर्दियों में श्याम तुलसी की चाय पीनी चाहिए। दोस्तों, घर में यदि श्याम तुलसी का पौधा लगा हो तो ज़्यादा मच्छर भी नहीं आते, भाग जाते हैं मच्छर श्याम तुलसी की महक की वजह से। और श्याम तुलसी का पौधा घर में रहने से नकारात्मक बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं हो सकता। श्याम तुलसी के पौधे में प्रतिदिन नहाने के बाद हर घर की स्त्री को जल चढ़ाने चाहिए और चरण स्पर्श करने चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है हमेशा। कलह कलेश कभी नहीं होता। घर का रिश्ता टूटने से या फिर झगड़ा होने से बच जाता है, क्योंकि जहाँ तुलसी की मान सम्मान इज्जत होता है, वहीं भगवान विराजमान करते हैं। गुण धर्म की दृष्टि से श्याम तुलसी राम तुलसी की तुलना में अधिक फायदेमंद है, लेकिन राम तुलसी का भी अपना एक अलग महत्व है। राम तुलसी के जड़ों का तिलक करने से मस्तिष्क की कमजोरियां खत्म हो जाती है और सामने वाले को सम्मोहित करती है। कोई व्यक्ति यदि आपसे नफरत करता हो तो उसके पास राम तुलसी के पौधे का जड़ का तिलक लगा कर जाओगे तो वह नफरत भूल करके प्रेमपूर्वक आपसे बात करने लगेगा। यह अद्भुत परीक्षित औषधि है, प्रयोग करके आप देख सकते हो। आप इसे करके जरूर देखिएगा। घर में हमेशा हो सके तो दोनों प्रकार की तुलसी लगाने की कोशिश करें, ताकि आपको दोनों का भरपूर फायदा मिल सके। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को श्याम तुलसी के आश्चर्यजनक फायदे बता रहा हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा असरदार इफेक्टिव हैं। अंग्रेजी दवा भी इसके सामने कुछ भी नहीं है।
उससे भी ज़्यादा असर देने वाली यह श्याम तुलसी का पौधा है, बस इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो देखते रहें वीडियो को। मैं आप लोगों को श्याम तुलसी के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी औषधि प्रयोग बता रहा हूं। यदि किसी को कभी कोई भी बुखार आ जाए तो आप सिर्फ श्याम तुलसी के 25-30 पत्ते तोड़ करके और उसमें 5-10 काली मिर्च डाल करके खूब उबालें, एक गिलास पानी में उबालें। जब एक गिलास पानी का 25% रह जाए यानी 4-5 चम्मच, तब आप इस काढ़े को बुखार से पीड़ित व्यक्ति को गुड़ या शहद मिलाकर के दे सकते हैं और इसे दिन में 3 बार दें, सुबह और शाम को। अगर इस तरह से प्रयोग ना कर सकें तो तुलसी के 40-50 पत्तों का रस निकाल लीजिए और उस रस में गुड़ मिलाकर या शहद मिलाकर के बुखार से पीड़ित व्यक्ति को पिलाएं। पिलाना उसी तरह से है, 3 टाइम खाना खाने के बाद भी दे सकते हो और खाना खाने से पहले भी दे सकते हो। आधा घंटा पहले लेकिन देना होगा अगर खाना खाने से पहले दे रहे हो तो। अगर बुखार के साथ साथ सर्दी कफ खांसी है तो तुलसी के पत्तों के रस में अदरक का रस बराबर मात्रा में मिलाकर दे सकते हो, लेकिन थोड़ा सा गुड़ या शहद ज़रूर मिलाना। इसके अलावा दोस्तों, किसी माताएं बहनों को जिनको श्वेत प्रदर रक्त प्रदर की शिकायत रहती है, जिसे आम भाषा में सफ़ेद पानी या खून आना कहते हैं, जिससे माता बहनें बहुत विचलित रहती हैं, परेशान रहती हैं और उन्हें कोई दवा लेने पर भी डर लगता है, तो आप बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई दवा ना लें। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी भारतीय परंपरा है, तुलसी को माँ का दर्जा दिया गया है, तो आप तुलसी मैया के पत्तों को तोड़ करके वही 40-50 पत्तों का रस निकाल करके, निचोड़ करके उसका रस निकाल लीजिए। उस रस में थोड़ी सी मिश्री मिला करके इस प्रयोग को आप करते रहिए दिन में 3 बार। मिश्री आपको पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। इस मिश्री मिले हुए तुलसी के पत्तों के रस के इस खुराक को जो भी महिला 3 बार यूज़ करता है दिन में 3 दिन तक, उनका भयानक से भयानक रक्त प्रदर श्वेत प्रदर की समस्या आसानी से खत्म हो जाता है। याद रखें, 3 दिन ही प्रयोग करें, 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर काम ना हो रहा हो तो 3 दिन गैप करके फिर से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को जो राम तुलसी है और श्याम तुलसी है, दोनों का मंजरी आता है, दोनों में फल लगता है, जिसको मंजरी बोला जाता है, मतलब फल, जिसको रगड़ने पर उनमें से छोटे छोटे उसका बीज निकलता है। उस बीजों को, बारीक बारीक बीजों को मिला करके दोनों पौधे के मंजरी का बीज को आपस में पाउडर कर लीजिए, मिला करके सुखा करके। अब इस पाउडर को स्त्री पुरुष दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे शहद के साथ गोली बना लीजिए 1-1 ग्राम की मात्रा में। इस गोली को सुबह शाम 2-2 गोली दूध के साथ खाने से पुरुषों की जो पुरुष तत्व होता है उसकी बढ़ोतरी होती है, सप्त धातुओं की पुष्टि होती है, शरीर हष्ट पुष्ट होता है, शरीर के खराब विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं, शरीर में नया रस रक्त मांस बढ़ने लगता है, नपुंसकता पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और जिसका वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है वह भी भरपूर हो जाता है। अगर महिलाएं प्रयोग करती हैं इस चूर्ण को तो उनका बच्चेदानी की हर समस्या ठीक हो जाती है, योनि के इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, उनके सभी गुप्त समस्याएं समाप्त होकर नई जवानी का एहसास होता है और बच्चे पैदा करने की शक्ति बढ़ जाती है, बांझपन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अब मैं तुलसी की एक और बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं आपको, जिसका आपको तुरंत फ़ायदा, तुरंत असर देखने को मिलेगा। अगर किसी के सर में दर्द हो तो आप राम तुलसी के पत्तों का रस नाक में 2-2 बूंद डालिए, आपका सर दर्द तुरंत ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई बात रोग से पीड़ित व्यक्ति की सर में दर्द हो या फिर उसको चक्कर आता हो, मस्तिष्क की नसें सिकुड़ रही हो या फिर किसी भी प्रकार की मस्तिष्क की और समस्या है जिसकी वजह से उनका जीना दुश्वार हो चुका है, तो आप जैसे बात प्रकृति के लोगों के लिए यह श्याम तुलसी के पत्तों का रस को सरसों के तेल में उबाल करके उस तेल को नाक में टपका देने से प्रतिदिन सुबह शाम उनका मस्तिष्क की समस्या खत्म होने लगता है और जो चक्कर आने की समस्या है या फिर किसी भी चीज़ को बार बार सोचते रहने की समस्या है, मस्तिष्क की सभी कमजोरियां लगभग समाप्त हो जाती है इस प्रयोग को करने से। श्याम तुलसी के पत्तों के रस को सरसों के तेल में पकाइए। जब पूरी तरह से श्याम तुलसी के पत्तों का रस सरसों के तेल में जल जाए तो उस तेल को छान करके रख लीजिए और 2-2 बूंद नाक के छिद्रों में, दोनों छिद्रों में डालिए। इससे
उनकी मस्तिष्क की समस्याएं धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने घर में देसी घी मिल जाता है तो उस देसी घी को भी नाक में दो दो बूंद डालने से मस्तिष्क की सारी समस्याएं ख़त्म होने लगती है। तो दोस्तों, यह तुलसी के पौधे के बहुत ही लाभकारी फायदे हैं जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तुलसी के और भी बड़े बड़े औषधि प्रयोग किए जाते हैं जो मैं और किसी आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल में इसी तरह की हर तरह की जड़ी बूटी वनस्पति विज्ञान जानने के लिए जुड़े रहें सब्सक्राइब करके, बेल आइकन घंटी को दबा करके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आयुर्वेद अपनाइए और लंबी उम्र जिए, खुश रहिए। नमस्कार। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।